एक तरफ सच्चाई ईमानदारी खड़ी है आपके सामने और एक तरफ भ्रष्टाचार खड़ा है। अब आपको चुनना है, सच्चाई ईमानदारी चुनोगे या भ्रष्टाचार चुनोगे? एक तरफ आपका संदीप सिंह गंगा की तरह पवित्र खड़ा है यहां पे और एक तरफ वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार में पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक कर दिया अपना नाम। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? वो बाहर से लोग लेके आ रहे हैं। पहले रोहतक से बेटा आया, कुछ नहीं हुआ। अब रोहतक से उसका फादर आ रहा है, कुछ नहीं होना। हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा के हैं। इनके साथ जो लोग होते हैं वो बाहर के, भाड़े के, किराए के। महेंद्रगढ़ में सालों से 45 साल हो गए इन्होंने गुंडागर्दी का अंधकार फैला रखा था, भ्रष्टाचार का अंधकार फैला रखा था। अब आपका संदीप सिंह 5 तारीख के लिए आपके लिए टॉर्च लेके आया है, टॉर्च। ये जितना अंधकार फैला हुआ है ये टॉर्च चंडीगढ़ तक जाके उस अंधकार को दूर कर देगी, जितना अंधकार फैला हुआ है। आज तक 45 साल में किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी इनके सामने खड़े होने की। जो भी आता उसको ये बता खरीद लेते थे, बोलते थे कितनी कीमत है तेरी तू बता, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो। लेकिन इनको ये मालूम है आपके संदीप सिंह की कोई कीमत नहीं है। अगर ये मुझे दुनिया की दौलत के लिए बोल देना तो मैं ठोकर मारता हूं दुनिया की दौलत को। क्या इस बारी आप संदीप सिंह का साथ देंगे? कौन कौन देगा? सभी सभी सभी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरे डालनवास परिवार से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से जो मुझे प्यार मिला, जो अपनापन मिल रहा है मुझे, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तहे दिल से अपने पूरे डालनवास और गादरवास परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे 54 साल हो गए हैं हमें लगातार, हमारे परिवार को लगातार आपकी सेवा करते हुए। पूरे 54 साल पहले मेरे ताऊ जी रामनारायण सिंह जी ने डीसी रह के महेंद्रगढ़ में और एमपी रह के सेवा की। फिर मेरे पिताजी श्री बहादुर सिंह जी ने शिक्षा मंत्री रह के ढाणी ढाणी में स्कूल खोले और उसके बाद आपको पता ही लगातार आपका संदीप सिंह 24 साल से 24 घंटे आप लोगों की सेवा कर रहा है निस्वार्थ। कुछ नहीं चाहिए आपके संदीप सिंह को, हमें तो अपने महेंद्रगढ़ में सुख शांति चाहिए, संपन्नता चाहिए, भाईचारा चाहिए, अपनापन चाहिए, एक दूसरे से मेल मिलाप चाहिए, ये चाहिए हमारे। मैं सभी नौजवान पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा आज के समय में सबसे जरूरी चीज है अपने मां बाप की और अपने दादा दादी की सेवा करना। आज से हम ये प्रण करके चलें कि हम अपने दादा दादी के पास 2-3 घंटे बैठें, उनसे बातें पूछें, उनसे शिक्षा लें और अपने मां बाप के पास से बैठें और सुबह जब घर से बाहर जाएं
तो अपने माँ बाप की और अपने दादा दादी के चरणों में हाथ लगा के जाएं। मुझे अब तक ध्यान आ रहा है अपने डालावास के बारे में, मैं 2002 से 4 जब एसडीएम था, तो माताओं बहनों आपके यहाँ पे एक बोरिंग खराब हो गया था, पानी वाला बोरिंग जिससे आप पानी पीते हो। नया बोरिंग तो पास करवा दिया था लेकिन उसमें भी एक महीना लगना था, तो मैंने ऑर्डर किया एक्सियन साहब को कि भी डालनवास में जब तक नया बोरिंग नहीं लग जाता जब तक लगातार टैंकर भेजो। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आपके संदीप सिंह के समय में इतने काम हुए, इतने कैंप लगाए, आपके संदीप सिंह ने घर जा जाके अपने डालनवास में भी लगाया था, बाडा में भी लगाया था, आसपास पूरे महेंद्रगढ़ में लगभग हर गांव में कैंप लगाए गए ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, हमारे किसानों भाइयों को दिक्कत ना आए। अब आपके सामने 5 तारीख यानी कि आपके पास मोटे मोटे 10 दिन है पूरे। मेरे प्रभु जनों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये 10 दिन अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े सुनहरे दिन हैं। इन 10 दिन में मेहनत कर लो बस आप। इन 10 दिन में माताओं बहनों, आपको विश्वास है आपके संदीप सिंह के ऊपर, पूरा विश्वास है, मुझे पता है। देखिए सब माता बहन हाथ खड़े कर रही हैं, सब लोगों ने हाथ खड़े किए, मेरे पूरे परिवार जन को पता है कि संदीप सिंह जो बोलता है वो सच बोलता है। माताओं बहनों, अपने बच्चे बावल गुड़गांवा रिवाड़ी उससे भी आगे जा रहे हैं, 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। आपके संदीप सिंह ने शादी ना करने की तो भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी थी, आपको सबको पता है आपके संदीप सिंह ने शादी नहीं कर रखी। बाबा स्वयंनाथ जी का सबसे बड़ा भगत हूं, हमने शादी नहीं की। मैं आज एक भीष्म प्रतिज्ञा और ले रहा हूं जी, ध्यान से सुनिएगा सभी मेरे प्रभु जनों। 8 तारीख को रिजल्ट आते ही उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपने डालनवास गांव के पास ही एक बहुत बड़ा उद्योग बनाया जाएगा। अपने बेटा बेटियों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा बाहर, उस उद्योग में 20 हजार भी मिलेंगे और लाख रुपए भी मिलेगा, जैसे बच्चे की पढ़ाई होगी वैसे। सबसे बड़ा काम क्या रहेगा उसके अंदर, अभी माताओं बहनों आपको टेंशन रहती है बच्चे बाहर जाते हैं कब वापस आएंगे, और जब तक बच्चा वापस नहीं आता माताएं खाना नहीं खाती, क्यों जी, बच्चे की इंतजार करती हैं। और जब यहां बच्चे नौकरी लग जाएंगे तो आपके हाथ का गरम गरम खाना खा के जाया करेंगे, भाईचारा बना रहेगा, अपनापन बना रहेगा और सौहार्द बना रहेगा। एक तरफ सच्चाई ईमानदारी खड़ी है आपके सामने और एक तरफ भ्रष्टाचार खड़ा है। अब आपको चुनना है, सच्चाई ईमानदारी चुनोगे या भ्रष्टाचार चुनोगे। एक तरफ आपका संदीप सिंह गंगा की तरह पवित्र खड़ा है यहां पे, और एक तरफ वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार में पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक कर दिया अपना नाम भ्रष्टाचार में। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, वो बाहर से लोग लेके आ रहे हैं। पहले रोहतक से बेटा आया, कुछ नहीं हुआ, अब रोहतक से उसका फादर आ रहा है, कुछ नहीं होना, हमारी जनता समझ चुकी है, क्योंकि भारत
बाहर वालों के पास वोट नहीं है। यहाँ जितने हमारे लोकल लोग बैठे हैं ना दूर दूर तक, कोई गुड़गांव से तो नहीं है यहाँ पे? नहीं है ना गुड़गांव से, और कहीं बाहर से कोई नहीं है, सब लोकल हैं। यही फर्क है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो अपने मेहंदगढ़ विधानसभा के हैं, इनके साथ जो लोग होते हैं वो बाहर के, भाड़े के, किराए के। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये सारे मिलके जो खड़े थे ये एक ही बात बोल रहे हैं, एसडीएम को वोट मत दे देना भाई, किसी को दे दो चाहे, एसडीएम को मत दे देना, ये बोल रहे हैं ये। और इन्होंने क्या किया हुआ है, गाली निकालने के लिए 5-6 छुटभैये रख रखे हैं तनखा पे आपके, संदीप सिंह वो रोज गाली निकालते हैं वो, तो क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे जो मुझे गाली निकालते हैं? कोई नहीं देगा उनको। और एक गाली निकालने के आपके संदीप सिंह के 1000 वोट बढ़ते हैं, एक गाली निकालने के। हम संस्कारवान व्यक्ति हैं, हम सभी जो बैठे हैं, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम गाली का जवाब बटन दबा के देंगे, बटन दबा के। मेहंदगढ़ में सालों से 45 साल हो गए इन्होंने गुंडागर्दी का अंधकार फैला रखा था, भ्रष्टाचार का अंधकार फैला रखा था, अन्य बुराइयों का अंधकार फैला रखा था। अब आपका संदीप सिंह 5 तारीख के लिए आपके लिए टॉर्च लेके आया है, टॉर्च। ये जितना अंधकार फैला हुआ है ये टॉर्च चंडीगढ़ तक जाके उस अंधकार को दूर कर देगी, जितना अंधकार फैला हुआ है। आप सभी को बताना चाहूंगा मैं, 5 तारीख को आपने जिस पे बटन दबाना है वो है टॉर्च का निशान, टॉर्च। 13 नंबर पे है जी, 13 नंबर पर सबसे नीचे तो एक निशान होता है नोटा का, उससे ऊपर निशान आपका ही है, नीचे से ऊपर वाला। 13 नंबर पे बटन दबाना है अधिक से अधिक सबने मिलके, 13 नंबर पर, क्योंकि ये सुनहरी मौका है हम सबके पास। आपको पता है आपका संदीप सिंह अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आया है, पूरे 10 साल की और 5 साल की एक्सटेंशन मिलती है, कितने हो गए 15 साल की नौकरी। माताओं बहनों मुझे महीने के 2 लाख मिल रहे थे, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर गनमैन सब मिल रहा था मेरे को। आप सब मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, आपको तो पता है सारी सुख सुविधाएं जो छोड़ के आया हूं मैं, वो केवल और केवल अपने बच्चों के लिए जो यहां बैठे हैं बच्चे अपने। आपका संदीप सिंह अपना सब कुछ छोड़ा है आपके लिए, नहीं तो आप बताइए, हमारा तो शुरू से सामाजिक राजनीतिक और अफसर वाला परिवार रहा है। मेरे पड़नाना जी श्री हेतराम लांबा जी 3 बार हिसार साइड से एमएलए रहे, 3 बार। मेरे माताजी के घर से भी, लांबा परिवार से भी, और मेरे पिताजी के घर से भी हमें संस्कार मिले अच्छे काम करने के, लोगों की मदद करने के। और संस्कारवान व्यक्ति पहली बार आपके सामने आके खड़ा हुआ इलेक्शंस में, पहली बार। मेरी आप सबसे एक विनती है, कृपया करके अपनी एक भी वोट खराब मत कर देना इस बारे, किसी कहने से एक भी वोट खराब मत कर देना। मैं पूरे मेहंदगढ़ वासियों से अपील करता हूं, कृपया करके भ्रष्टाचारियों को वोट मत डाल देना, बिल्कुल भी एक भी मत डाल देना। ये तरह तरह के लुभावने वादे करेंगे आपसे, आपके रिश्तेदार लेके आएंगे, जानकार लेके आएंगे, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। आपको एक ही बात बोलनी है आपको सिर्फ, कि इस बारी हमारी वोट सच्चाई को जाएगी, हमारी वोट ईमानदारी को जाएगी, हमारी वोट नेक नीति को जाएगी, हमारी वोट विकास को जाएगी, और हमारी वोट हमारे बच्चों की नौकरी के लिए जाएगी।
आज तक 45 साल में किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी इनके सामने खड़े होने की। जो भी आता उसको ये बता खरीद लेते थे, बोलते थे कितनी कीमत है तेरी तू बता, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, 1 स्कॉर्पियो 2 स्कॉर्पियो। लेकिन इनको ये मालूम है आपके संदीप सिंह की कोई कीमत नहीं है। अगर ये मुझे दुनिया की दौलत के लिए बोल देना तो मैं ठोकर मारता हूं दुनिया की दौलत को। हमें तो केवल और केवल आपका जो ये प्यार अपनापन ये जो मिल रहा है आपके संदीप सिंह, केवल ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपके संदीप सिंह। मैं देख रहा हूं 1947 में जब आजादी आई थी उस टाइम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम लक्ष्मी बाई, मैं वही की वही आजादी 2024 में आपके चेहरे पे देख रहा हूं। वही की वही आजादी, केवल चेहरा चेहरा चेंज हुआ है, वो जोश, वो जज्बा, वो कुर्बानी, वो सब की सब मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूं। और इस बारी मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इकट्ठे होके, इकट्ठे मिलके अपने महेंद्रगढ़ को इन बुराइयों से आजाद करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मातरम, वंदे मातरम, जय। तो आप सभी यहां उपस्थित हुए और इतनी देर तक बैठी है मेरी माताएं बहनें, इनको खाना भी बनाना है जाके, और लेकिन कोई भी नहीं उठ रहा यहां से, कोई बुजुर्ग नहीं उठ रहा। देख लीजिए, नहीं खाएंगे आज, कमाल है, देखिए कह रहे हम खाना नहीं खाएंगे आज, बताइए आप। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि एक टाइम का खाना छोड़ दो, माता जी ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया माता बहनों ने। देखिए आप, ये अपनापन, एक बार जोर के ताले बजा दीजिए। तो जी अब ये भाषण का थोड़ा सा एक दो लाइन रह गई है, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। पहले मुझे बाबा जी के सामने बैठे हैं, पहले मुझे सच्चे दिल से दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताइए क्या इस बारी आप संदीप सिंह का साथ देंगे? कौन कौन देगा? सभी 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 आपका जोश और जज्बा वाक्य में काबिले तारीफ है। और 5 तारीख को अधिक से अधिक पोलिंग करवाइएगा जी, आप सभी जितने भी यहां पर प्रभुजन खड़े हैं, किसी की भी वोट रहने नहीं चाहिए, जितनी अधिक पोलिंग उतनी बड़ी जीत आपकी, जितनी अधिक पोलिंग। तो जी आप सभी को 29 तारीख का मैं आमंत्रण निमंत्रण देने के लिए आया हूं, 29 तारीख का अगले इतवार को, अभी जो आने वाला इतवार है, अपनी सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। खैर जनसभा तो आज ही बहुत बड़ी होगी, अपने आप ही देखो आप, एक बड़ी जनसभा होने जा रही है जी। अब तक की ऐतिहासिक जनसभा आपके हरियाणा की महेंद्रगढ़ में, तो कृपया करके आप सभी प्रभुजन, नौजवान साथी, माताएं बहने वहां पे जरूर पहुंचिएगा और हमारी इस जनसभा का मान सम्मान जरूर बढ़ाइएगा। एक और बड़ी खुशखबरी की बात बता रहे हैं सभी कि सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, लड्डुओं से तोल रहे हैं अभी। आपके प्यार से, अपना बन से जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो मेरा वजन 73 किलो था, अब मेरा वजन 78 किलो हो गया, बढ़ गया। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना परंपरा दे रहे हैं, उधर तो वजन घटता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।